यूहन्ना रचित सुसमाचार 18वां अध्याय। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन के नाले के पार गया। वहां एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। तब यहूदा पलटन को और महायाजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थीं जानकर निकला और उनसे कहने लगा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूं। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके यह कहते ही कि मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं ही हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था कि जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी न खोया। शमौन पत्रस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलखुस था। तब यीशु ने पत्रस से कहा, अपनी तलवार काठी में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे न पीऊं? तब सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उससे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। यह वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। शमौन पत्रस और एक और चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था और यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पत्रस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पत्रस को भीतर ले आया। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पत्रस से कहा, क्या तू भी इस मनुष्य के चेलों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधकाकर खड़े ताप रहे थे और पत्रस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछा। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैंने जगत से खोलकर बातें की, मैंने सभाओं और आराधनालय में जहां सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते हैं सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने यह कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? हन्ना ने उसे बंधे हुए कैफा महायाजक के पास भेज दिया। शमौन पत्रस खड़ा हुआ ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, क्या तू भी उसके चेलों में से है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूं। महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पत्रस ने काट डाला था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में न देखा था? पत्रस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। और वे यीशु को काइफा के पास से किले को ले गए और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर न गए ताकि अशुद्ध न हो, परंतु फसह खा सकें। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात की नालिश करते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया कि यदि वह कुकर्मी न होता तो हम उसे तेरे हाथ न सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले। यह इसलिए हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उसने यह पता देते हुए कही थी
कि उसका मरना कैसा होगा। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और महायाजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा, तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहां का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? और यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। सो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे। और बरब्बा डाकू था।